नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम। ग्यारसपुर स्थित तारण विहार में आयोजित की गई बैठक। ग्यारसपुर में 6 माह की साधना के लिए विराजमान इतिहास रत्नाकर, आध्यात्म रत्न, बाल ब्रह्मचारी श्रद्धेय संत श्री बसंत जी महाराज की मंगलमय उपस्थिति रही। बैठक के शुभारंभ में स्थानीय पाठशाला की बेटियों भूभि एवं चेष्टा ने चंदन तिलक बीज लगाकर स्वागत किया। बिटिया सिमी एवं तन्वी ने मंगलाचरण का पाठ कर बैठक की। मंगलाचरण पश्चात विधिवत बैठक प्रारंभ हुई। अध्यक्ष सिंघई ज्ञानचंद जैन ने तारण भवन में रुकने वाले सभी तीर्थयात्रियों को तारण साहित्य, प्रतियां एवं तीर्थ वंदना की पुस्तक मुफ्त में देने के विचार रखे। बैठक में मंत्री एडवोकेट पदमचंद जैन ने तारण भवन के विकास एवं व्यवस्था में सभी समाजजनों के सहयोग की अपेक्षा की। महामंत्री प्रहलाद किशोर जी ने सभी दानदाताओं से बैंकों के माध्यम से दान राशि भेजने को कहा, जिससे अधूरे निर्माण कार्य शुरू किया जा सके। उपाध्यक्ष संतोष कंड्या जी ने कोरोना से उत्पन्न परिस्थितियों से निपटने के संबंध में विचार रखे। बैठक में कोरोना वायरस संक्रमण एवं कोरोना काल में तीर्थ क्षेत्र महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष समाज भूषण, समाज रत्न श्रीमंत नरेश भैया सहित उन सभी साधर्मियों के असामयिक दुखद निधन पर 9 बार महामंत्र पढ़कर मौन धारण किया गया। ग्यारसपुर समाज के राजेश जैन मंदिरवाला ने सभी का आभार व्यक्त किया। बैठक में सिंघई ज्ञानचंद जैन उपाध्यक्ष, संतोष कंड्या महामंत्री, प्रहलाद किशोर जैन मंत्री, पदम जैन कोषाध्यक्ष, सेठ राकेश कुमार जैन मंत्री, सुनील कुमार जबलपुर, सुमन प्रकाश, पंडित शीलचंद जैन, पंडित रतन चंद सेठ, नरेश चंद, ज्ञानचंद जैन, शिक्षक संजय जैन, आदेश जैन, हर्षित जैन, राजीव जैन आदि उपस्थित थे। इन भावनाओं के तहत 11 सीटों का चुनाव किया गया और आप सबके बीच यह बैठक संपन्न हुई। झारखंड में समेत शिखर नाम का जैन समाज का एक विशाल तीर्थ है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर का धर्म तीर्थ। आप जानते हैं जैन धर्म में हुए 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकर भगवान ने समेत शिखर की माटी से मोक्ष को प्राप्त किया। ये एक धारणा, विश्वास और यथार्थता है कि जैन दर्शन में 24 तीर्थंकर होते हैं, वे सभी अयोध्या में जन्म लेते हैं और समेत शिखर से मोक्ष जाते हैं। अभी जब राम मंदिर के शिलान्यास का अवसर था, तब जैन समाज में भी इस बात को लेकर भारी हर्ष था, अत्यंत प्रसन्नता थी कि एक तरफ भगवान राम की जन्मभूमि पर राम अपनी बात करते हैं, आपसी प्रेम भाव में वृद्धि करते हैं, मानवीय धर्म की भावनाएं भाते हैं, अध्यात्म का आराधन करते हैं और सभी के लिए कल्याण का मार्ग बनने में तारण भवन सहायक। ये सभी पदाधिकारीगण संपूर्ण देश के लोगों के प्रति अपनी शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं। सभी का जीवन मंगलमय हो। और समीर शिखर जी, आप भी पधारे। जो जो भी सज्जन हैं, आप सब वहां से जुड़े हुए हैं, सभी पदाधिकारीगण, और सभी का एक उद्देश्य है कि सभी लोग शिखर जी पहुंचे। देश के सभी लोगों को ये कमेटी आमंत्रित करना चाहती है, एक बार आप अवश्य ही शिखर जी पधारें, देखें उस सिद्ध भूमि का अतिशय और नजारा। मैंने अभी आपसे निवेदन किया था कि जैन धर्म में जो 24 तीर्थंकर होते हैं, वे प्रायः अयोध्या में 24 ही जन्म लेते हैं और 24 ही समेत शिखर से निर्माण को प्राप्त करते हैं। लेकिन जैन दर्शन के अनुसार ये उंडाव सर्प की पंचम काल है। इस काल के प्रभाव से इस बार इस 24 में अनेक तीर्थंकर अलग अलग स्थानों से जन्म लिए हैं और 4 तीर्थंकर अलग अलग स्थानों से मोक्ष भी गए हैं। 11 के हमारे आखिरी बंधु इस कोरोना की विपत्ति काल के कारण करीब 8 महीने से हम तो बड़ी अनिश्चितता की स्थिति में हैं।
शिखर जी एक ऐसा स्थान है जहां विश्व के सारे लोग दर्शन करने के लिए और अपनी मनोभावना वहां व्यक्त करने के लिए जाते हैं। हम करना चाहते थे आप सभी को मिले थे कि ये कोरोना काल जो विगत 6 महीनों 8 महीनों से चल रहा है, इसमें पूरी दुनिया प्रभावित हुई है। आदमी इस चिकित्सा हो गया है, जो जहां है वहीं रुक के रह गया है। ऐसी विषम परिस्थितियों में सारे कार्य, आदमी के व्यक्तिगत कार्य प्रभावित हुए, जिसमें तो ये धार्मिक कार्य। अब इसे गति देने का प्रयास इस कमेटी द्वारा किया गया है। ग्यारसपुर जैसा कि महाराज जी ने बताया, अति महत्वपूर्ण जगह है। यहाँ के लोग बड़े भाग्यशाली हैं और उनके साथ हमारा भाग्य भी जुड़ गया कि आज ये मीटिंग करने का सौभाग्य उनकी वजह से हमें प्राप्त हुआ है। रुके हुए कार्य को गति देने के लिए हम लोगों ने ये यहाँ प्रयास किया है, पूज्य महाराज जी के निर्देशन में। अब हम यहां से हम प्रयास करेंगे कि हमारे जो, क्योंकि ये सम्मेलन शिखर जी एक ऐसी जगह है जहां दुनिया की पूरी जैन समाज ही नहीं अपितु अन्य समाजों की भी आस्था का केंद्र है, तब फिर ऐसी जगह के विषय में लगातार निरंतर सोचना हमारी जिम्मेवारी बनती है और हम यहां से इस कार्य को गति देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। खबर समय जगत के लिए ग्यारसपुर से प्रेम नारायण सूर्यवंशी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।